हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा सीयूटी का एग्ज़ाम है, मतलब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड कह सकते हैं। तो मैं दूसरा अटैम्प्ट देने जा रही हूँ आज, और अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब अभी तो 11 बज रहे हैं सुबह के, और मेरा एग्ज़ाम है 3 बजे। तो अब मेरे को यह है कि अब मेरे को पहुँचना भी है सेंटर पर, तो मैं 2 बजे निकलूँगी घर से। तो उसके बाद क्या होगा कि उससे पहले मेरे को पढ़ाई करनी है थोड़ी सी। अब दिमाग ख़राब इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि मेरा 2 दिन पहले मुझे पता चला था कि मेरा फर्स्ट डे ही पेपर है, और उसके बाद पढ़ाई नहीं हुई थी तो टेंशन नहीं थी। बट अब क्या हुआ है, अब पढ़ाई कर लिया तो टेंशन बहुत हो रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों हो रही है टेंशन, ऐसा हो रहा है पता नहीं क्या ही हो जाएगा आज तो। और सेम एग्ज़ाम है, मतलब जो मेरा पिछले साल था वही वाला सेम एग्ज़ाम अभी मेरा है। डोमेन्स मेरे बाद में होंगे, वो अभी आई नहीं है, मेरे इंटीमेशन स्लिप नहीं आई अभी तक। बाकी इस बार का सेंटर तो पास है, शुक्र है, मेरे को पढ़ाई का टाइम तो मिल जाएगा। पर यह है कि बस यही विषय कि अच्छा जाए, उसके बाद मैं रिव्यू डालूंगी कि कैसा पेपर आया था। ऑफकोर्स मेरा आज क्या डेट है, 1 जून, 1 जून का रिव्यू आएगा कि कैसा था पेपर। तो इसलिए अब मैं दोबारा एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, और बहुत डर लग रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे इंग्लिश का डर। इंग्लिश तो मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिला, कॉलेज भी था, मैं कॉलेज भी नहीं गई पढ़ाई के चक्कर में, इसके चक्कर में। और जीटी है, जीटी मैंने रीजनिंग कर ली है, करंट अफेयर्स मैंने थोड़े से करे हैं, मतलब जनवरी के करे हैं, फरवरी के करे हैं, और थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कर लिए जो अभी आए थे इन एग्ज़ाम्स के बीच में। और उसके बाद मैंने ना रीजनिंग पूरी कर ली है ना, मैथ्स मैंने कर लिया, आधे टॉपिक करे आधे नहीं करे, बिकॉज पिछली बार भी मैं मैथ्स करके गई थी टॉपिक्स, और ऐसा हुआ था जो मैं करके गई थी उसमें से नहीं आया था, और फिर उसके बाद मुझे खुद से ही करने पड़े थे। तो इसलिए लेट्स सी भाई, अब मैं आके बनाऊंगी वीडियो, अब मेरे से बोला नहीं जा रहा, मुझे पढ़ना है जल्दी जल्दी, तो इसलिए ठीक है, ओके बाय। हेलो गाइस, तो मैं एग्ज़ाम दे के तो आ गई। चलो ये तो हुआ कि एग्ज़ाम गया, तो थोड़ा डर भी चला गया, और ये जो था एटलीस्ट जैसा भी हुआ हो गया, पर रिव्यू तो देना ही है। और ऊपर से मतलब मैं आई थी 6:30 पे, मैं घर आ गई थी 6 बजे, एग्ज़ाम खत्म हो गया था। लेकिन मुझे वहाँ पे जो सरप्राइज़ मिला वो ये था कि लाइक लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मतलब ऐसा था, मुझे चूज़ करने का ऑप्शन आया था कि जैसे मुझे जर्नल टेस्ट करना है पहले, या इंग्लिश पहले करना है, फिजिकल पहले करना है, तो मैं खुद चूज़ किया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, अचानक से स्क्रीन आई, और मतलब ऐसा था कि खुद ही वो ऑर्डर में लगे हुए थे और मुझे उसके हिसाब से देना था, तो पहला मूड वहीं ख़राब हो गया। दूसरा क्या हुआ कि वो स्क्रीन पे ऐसा हो रखा था कि वो जैसे जो क्वेश्चंस हमने मार्क करे होते और कुछ करा होता ना, तो इस तरह वैसे आ रखा था आधी स्क्रीन पर, वो इतना मूव करने में मुश्किल हो रही थी मुझे अनसीन पैसेज पढ़ने पर। जब मैंने पूरा एक अनसीन पैसेज कर लिया, तब जाके मुझे पता चला कि वो जो स्क्रीन के उधर एरो बना होता है ना क्वेश्चंस पे, तो वो ऐसे करे एरो पे टच करेंगे तो वो क्वेश्चंस वाली स्क्रीन हट जाएगी, और फिर वो पूरी स्क्रीन पर अनसीन पैसेज आएगा। टाइम वेस्ट, दिमाग ख़राब, वो अलग बात। उसके बाद क्या हुआ कि क्या ही बोलूँ, मैं इतना बेकार हुआ है ना, बहुत बेकार गया है, लाइक बहुत ही ज़्यादा। अब इसमें तो मैंने कर लिए थे 39 करे थे मैंने, 40 करने थे पर मैंने 39 ही करे, पता नहीं कुछ चूज़ करने में गड़बड़ हो गया क्या हो गया, पर वो 39 ही हो पाए मेरे क्वेश्चंस इंग्लिश में। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन था, इतना बेकार, लाइक क्वेश्चंस उससे नहीं पूछे जो बुक में होते हैं और वो सिलेबस होता है, उसमें से तो पूछे ही नहीं। डेट पूछ ली और उनके नाम पूछ लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पूछ लिए जो वर्ल्ड में हैं और जो ऐसे ऐसे हैं, और क्या पूछा था उन्होंने, हाँ ये पूछ लिया इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं ऐसे ऐसे करके इंडिया में, तो जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं ना, तो जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ उनके बनने के हिसाब से। भाई वही दिमाग खराब, ऊपर से क्या था कि भाई स्क्रीन चले जा रही है 3 घंटे में लगातार, हमें ना सांस लेने का टाइम है, ना रुक सकते हैं हम भाई, जहाँ रुके दुर्घटना घटी वहां पे, तो क्योंकि टाइम तो चल रहा है, हम रुक के आंख इतना दर्द कर रही थी भाई मेरी, तो पता नहीं ऐसा लग रहा था इतने टाइम बाद स्क्रीन देख रही, और ऊपर से पढ़ना इतना सर दर्द उसमें भी, और टाइम निकल रहा है तो उसकी वजह से और टेंशन की भाई टाइम भी निकल रहा है, इसलिए तो टाइम वाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना भी है। ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड था जर्नल टेस्ट। ठीक है, अब जर्नल टेस्ट का मैं बताती हूँ। इंग्लिश तो मतलब ठीक ही था, ऐसा था कि अगर हमें बेसिक आता है तो हाँ हो जाएगा उससे, और ऐसा कुछ हाँ वो नहीं आए थे, फिगर ऑफ स्पीच नहीं आए थे, ऑक्सीमोरॉन मेटाफर और एलिटरेशन वगैरह नहीं आए थे, एक्टिव और पैसिव वर्ड आया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आया था, ये आया था उसके बाद इंग्लिश के बाद। हाँ, और फिजिकल में मैंने बता ही दिया कि बुक का आया था थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं भाई साहब, और ऊपर से वो डेट्स के साथ वगैरह भी आ जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन का तो ये है कि जो छोड़ने वाले होंगे तो तुम छोड़ ही दोगे, बाकी तो थोड़ा ट्रिकी भी थे क्वेश्चंस उसमें भी। और जनरल टेस्ट भाई, बहुत जनरल टेस्ट के लिए मुझे खुद दुख हो रहा है कि मेरा बहुत गंदा गया जनरल टेस्ट,
मैं बोलना भी नहीं चाहती उसके बारे में, बताना भी नहीं चाहती, मेरे घर पे भी नहीं बताया मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई, कितने नहीं करके आई। और मतलब मेरे घर वाले तो पूछा भी नहीं कि कैसा गया कैसा नहीं गया, उन्होंने बोला बस अच्छा जाएगा, अब तू टेंशन मत ले, हो जाएगा जो होना होगा। बट मुझे अब ये दुख हो रहा है क्योंकि जनरल टेस्ट मेन था मेरे लिए, मेरे को जनरल टेस्ट में ज़्यादा स्कोर करना था और जनरल टेस्ट ही मेरा खराब गया। अब पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट ईयर मैंने ये मिस्टेक कर दी थी कि मैंने ना, मेरे को था सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, चाहे मैं तुक्का लगा के हो पर मुझे अटैम्प्ट सारे करने हैं, तो उस वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे, नेगेटिव मार्किंग होती है, मुझे पता नहीं था, बालक बुद्धि थी। तो अब लेकिन क्या था, अब मुझे था कि मतलब जितने आते हैं पहले उतने करना है, बाकियों के चक्कर में कहीं पता चले वो भी छूट जाए, और तुक्का तो मारना ही नहीं है, पहली बार तुक्के नहीं मारने, ये सोच के गई थी। तो जनरल टेस्ट में क्या था, मैथ्स के क्वेश्चंस थे बहुत भर के, और ऊपर से ट्रिकी भी थे मैथ्स के क्वेश्चंस, मतलब ऐसा, और रीजनिंग भी ट्रिकी आई थी, ऐसा नहीं था कि एक बारी में निकल जाएगी। एक क्वेश्चन मेरे इनमें से क्या गलती है जीटी में, कि एक क्वेश्चन जैसे था ना, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि 1 जनवरी इतने इतने से, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इतनी डेट को कौन सा डे होगा, तो वो ईयर भी चेंज कर दिया था। तो मुझे वो आता था, मैं सॉल्व करने बैठी तो सॉल्व करते करते कितना टाइम निकल गया, 5-6 मिनट निकल गए। एक तो क्या था कि होपलेस होगी भी, इतना दिमाग खराब हो जाता है कि वो कैलकुलेशन जल्दी नहीं हो पाती। फिर उसके बाद भाई मैं ना जैसी सॉल्व करके स्क्रीन देखी, तो मैं देख गई भाई कि तो भाई 40 मिनट बचे हैं, और अब बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, लाइक 10th या 11th क्वेश्चन होगा वो। मैंने कहा अभी तो 50 क्वेश्चन करने हैं, और ऊपर से 60 तो हैं, ऊपर से 50 करने, और ऊपर से मैं अभी तक 40 मिनट बचे, 50 क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स भी है, ये भी है, वो भी है। भाई वही मेरा दिमाग खराब, वहाँ पे मेरा हुआ खराब यहाँ से काम। फिर मैंने कहा भाई अब इतना टाइम नहीं है कि सॉल्व वॉल्व करने का, अब सॉल्व वाले छोड़ सीजल, और जो 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 वैसे आते हैं वो कर। अब उसमें भी पढ़ने में, सोचने में, फिगर करने में टाइम तो लगता है। फिर रीजनिंग मैंने करी, रीजनिंग में भाई ब्लड रिलेशन वाला सही गया मेरा, और उसके बाद रीजनिंग में ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन आया था, वो भी अजीब आया भाई, इतना गंदा वाला। उसके बाद करंट अफेयर्स आए थे, स्टैटिक आए थे, लेकिन भगवान जी, भगवान मेरी किस्मत कितनी, इसमें मेरी किस्मत अच्छी है भाई, जो करंट अफेयर्स थे वो मेरे को सीधा सीधा आते थे, और मतलब ऐसा था करंट अफेयर्स मैंने नहीं पढ़े थे, मैंने एंड मोमेंट पे भी नहीं पढ़े थे, मैं मालवीय अकेडमी से पढ़ रही थी, बेस्ट 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 चैनल, ऐसा कोई प्रमोशन वमोशन भी नहीं है, पर वो भाई इतने अच्छे टीचर्स हैं, लाइक इतने अच्छे टीचर्स हैं, लाइक जितना मैं जीटी आज करके आई हूँ ना, जितना बेकार होने के बाद भी जो मैं करके आई हूँ वो उन्हीं के बदौलत है, समझ लो। लास्ट के दिनों की मैं वीडियोस देख रही थी और सेम वही क्वेश्चंस उठ के आए हैं, वही यूनिवर्सल डोनर कौन था ओ ऐसे करके आया, और आया कि ऑथर कौन था, भाई एक क्वेश्चन मेरा मैच द फॉलोइंग गलत हो गया, पर मैंने सोचा मैं अब मैं नहीं देख रही और वरना मेरा दिमाग और ख़राब हो जाएगा। फिर क्या हुआ भाई, मैंने ना सोचा कि मैं वो रीजनिंग करूँगी और वो करूँगी और पैटर्न्स वाले करूँगी, तो वो करते करते मैं मैथ्स के सारे छोड़ते हुए चली गई कि भाई मैथ्स के छोड़ा, अब इतना इतना टाइम वाइम भी नहीं है। फिर वो सब करा तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन मेरे रह गए, और भाई मेरे को पता था कि मैं सॉल्व भी करूँगी तो मुझसे आंसर नहीं निकलेगा। एक आधे क्वेश्चन थे मैथ्स के जो मैंने निकाल लिए थे, बट स्टिल जैसे 50 क्वेश्चन थे ना, तो मैं सिर्फ 30 अटेम्प्ट करके आई हूँ यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। मेरे को इतना, मेरा भाई मुंह सड़ गया, पहले मेरा मुंह सड़ गया, उसके बाद भाई मैं इतना रोने जैसा मन हो गया मेरा, मैं आ रही हूँ घर पे और मेरा मन रहा कि मैं बस रो लूँ ऐसे करके। फिर भाई मैंने कहा रोके का फ़ायदा, मैं इसलिए रोई नहीं भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर भाई मैं घर आई, फिर मैं किसी से बोली बोली नहीं, मैं अपना आराम से बैठ के अभी एक घंटा मैं अपना रेस्ट कर रही थी ऐसे चुपचाप बैठ के। फिर मेरी कज़न का भी था जी, सेम था, पर उसका सेंटर दूर था बहुत, तो वो वहाँ से आई तो उसको वो मोशन सिकनेस, उसकी तबीयत भी खराब हो गई। फिर वो आई, फिर मैं उससे डिस्कस करा तो उसने ऐसे बोला, मुझे थोड़ा मोटिवेट करा कि छोड़ दो दीदी, अब कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे करके कि रहन दो, इतना टेंशन वेंशन मत लो इसके चक्कर में, तो इतना मैंने देख लेना कितना भंडा ये पेपर वो, ऐसे ऐसे मेरे को बोल के उसने मेरे को थोड़ा मोटिवेट कर दिया कि मत ऐसा करो, ऐसा अगर आपका नहीं भी आता तो कोई नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें उनकी गलती है। बट मेरे को अब ये हो पाया कि जो मैथ्स के क्वेश्चन इतने ट्रिकी दिए थे उन्होंने, और भाई उन्होंने रीजनिंग भी थोड़ी ट्रिकी दी थी, मतलब ऐसा था कि उसको सॉल्व करने में टाइम लग गया, मैं रीजनिंग का क्वेश्चन ही सॉल्व करते करते 10 मिनट चले गए थे, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ स्टार्टिंग में। वो रीजनिंग का था, डेट वेट क्लॉक का, कैलेंडर का था सॉरी, और क्लॉक में भी यार वो एंगल निकालने को बोल दिया, इतना गंदा एंगल वो वाला क्वेश्चन था, और एंगल भी ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट टाइम दिया हुआ, ऐसे अजीब सा दे रखा था, तो वो सब ड्रामा ड्रामा करके। तो अब यही है कि देखते हैं क्या होगा, पर ये था कि हाँ आज का पेपर में यही था, इंग्लिश इज़ गुड, मतलब इंग्लिश अच्छी आई थी ऐसे करके, फिजिकल भाई बहुत बेकार। एंड में इन्होंने दे दिया अनसीन पैसेज, वो भी स्टेरॉइड्स के ऊपर, वो भी इतना बड़ा क्वेश्चन अलग ही पूछ रहे हैं उसमें। भाई मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अनसीन पैसेज अब दोबारा पढ़ लूँ और ये सब ड्रामा कर लूँ। भाई अनसीन पैसेज कौन देता है फिजिकल एजुकेशन में, एंड मोमेंट पर अनसीन पैसेज कौन देता है, कोई नहीं देता। अब मेरे को इस बात को मैं वीडियो डालूँ कि ना डालूँ, रिव्यू मेरे को डालना है, पर मुझको ये नहीं बताना ना कि मैंने दोबारा सी यू टी दिया वो भी गंदा हो गया। मुझे मेरे को इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि मैं वीडियो तो डाल दूँ पर मेरा हुआ तो अच्छा नहीं है ना, अच्छा होता तो मैं डालती भी, बुरा हुआ है मेरा।
पर जिनका अच्छा उनको कंग्रेचुलेशन, आप आगे भी अच्छे हुए, इतना टेंशन वेंशन भी मत लेना आप जीटी की वजह से, पर बाकी तो अच्छे हुआ है ना, तो ऐसे करके सोचना, ऐसे ये देख के ऐसे होपलेस में तो जाना, मतलब ऐसे ही दिमाग से थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चों का तो हुआ होगा अच्छे से, और इंटेलिजेंट बच्चे तो कर ही लेंगे तुम सब इंटेलिजेंट। तुमने मेरे साथ, मैंने भाई मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी थी, ये बात भी सच है, जो पढ़ा था वो आया नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था, परसेंटेज का आया पर बहुत घुमा के आया, वो मेरे से नहीं हुआ। अब इतना टाइम नहीं होता ना कि जीडी में सॉल्व करने बैठ जाओ इतना सारा मैथ्स का, तो ये दिक्कत है। तो ये है कि आप लोग खुश रहो, आप लोगों का तो अच्छा ही जाएगा, मेरे एक बच्चे से कुछ नहीं होता, और मेरा गंदा गया तो आपका गंदा गया, आप ये बताओ बताओ, ये सब नहीं भाई, अब गया तो गया, और क्यों सीयूटी दिया मैंने दोबारा, ये भी नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना। वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो प्लीज़। हाँ भाई, जो जो आज देखा है वो कमेंट करके बताना जरूर कैसा गया, और आपके फ्रेंड्स का अगर रास्ता तो उनको भी पूछना कि आपका कैसा गया, उनका उनका ऐसे शेयर भी कर देना उनसे ऐसे। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट, एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, जो सीयूटी देने वाले हैं, जिनका सीयूटी हो गया उनका अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट वरी, बस मैं ये दुआ कर रही हूँ कि भगवान जीटी का बढ़ा दे मार्क्स। हर मैं अब उम्मीद तो छोड़ चुकी हूँ, लेट्स सी क्या होता है, बाकी वरना मैं कुछ कर लूँगी, कुछ तो कर ही लेंगे, पर ये नहीं करना जो कर रही हूँ।